हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैंने ये सूजी का दानेदार हलवा बनाया है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है ये हलवा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना दानेदार और कितना टेस्टी, एकदम लज्जतदार ये दिख रहा है। तो ये देखिए इसकी रेसिपी। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है। तो गैस ऑन करके मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और यहाँ पे हम 1 कप घी लेंगे। 1 कप सूजी ली है तो यहाँ पे हम 1 कप घी लेंगे। घी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए घी गर्म हो गया है। यहाँ पे हमने जो 1 कप सूजी ली है वो लेके हम इसमें ऐड करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम करके हम सूजी को लगातार भून लेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसे लगातार भून लेंगे। तो देखिए इसे हम लगातार चलाते हुए इसे सूजी को भून लेंगे। तो देखिए इसमें झाग होने लगा है। तो सूजी को हम लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे। इसे हम जब तक कि सूजी का कलर चेंज ना हो तब तक हम इसे भूनेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना झाग हो रहा है। तो देखिए लगातार चलाते हुए मुझे ये लगभग 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये सूजी का कलर भी ब्राउन हो गया है। और देखिए इसका जो झाग था वो भी एकदम कम हो गया है, बिल्कुल इसमें अब झाग नहीं है। हम गैस को मीडियम फ्लेम पे ही करके इसे लगातार भूनते रहेंगे। बस ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम यहाँ पे मैंने ये थोड़े से बादाम कट करके रखे हैं लंबे शेप में, ये लेके हम थोड़े से इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे कुछ ये किशमिश ली है, ये लेके हम इसमें ऐड करके ये भी साथ ही साथ इसमें हम भून लेंगे। इस स्टेज पे हम गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे क्योंकि सूजी ये एकदम अच्छे से इसका कलर जो है काफी चेंज हो गया है, ये गोल्डन ब्राउन हो गई है। और यहाँ पे मैंने ये 4 ही छोटी इलायची ली है जिसे लेके हम क्रश कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ये यहाँ पे ये 3 कप पानी लेके इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है और उसमें ये 3 कप पानी ऐड किया है और इसे लेके हम इसे लगातार इसे चलाते रहेंगे। ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा सा हल्का सा सॉटे करके तुरंत हम इसमें पानी ऐड करेंगे वरना किशमिश जो है ये जलने लग जाती है। इस स्टेज पे हम गैस को फुल फ्लेम पे रखेंगे। अब हम इसमें ये क्रश की हुई छोटी इलायची ये लेके इसमें ऐड कर लेंगे। ये लेके हम इसमें मिक्स कर लेंगे। सूजी पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और यहाँ पे इस स्टेज पे हम ये 1 कप चीनी ली है मैंने, ये लेके हम इसमें ऐड करेंगे और इसे लेके हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे फुल फ्लेम पे इसे लगातार 2 मिनट इसे चलाएंगे। हम इसे ज्यादा सूखा नहीं करेंगे, हम इसे हल्का सा गीला ही रखेंगे क्योंकि ये ठंडा होने बाद थोड़ा सूखा हो जाता है। तो देखिए ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। इससे ज्यादा हम इसे सूखा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने पर ये सूखा हो जाएगा धीरे धीरे, और मुझे थोड़ा गीला ही पसंद है इसलिए मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा गीला ही रखूंगी इसे। तो ये 1 कप सूजी में आप पूरे परिवार को अपने ये स्वादिष्ट हलवा बना के खिला सकते हैं। बहुत ही जल्दी और झटपट रेसिपी है ये, बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अब हम इसे सर्विंग बोल में सर्व कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये जो कटे हुए बादाम हैं ये लेके हम इसके ऊपर गार्निश कर लेंगे।
तो देखिए ये सूजी का दानेदार हलवा बनके रेडी हो गया है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अगर आपको ये हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नई सुबह एक नई शुरुआत के साथ। टेक केयर।